तो आज हम बनाने वाले हैं सर्दियों में बनाए जाने वाली आलू और गोभी की सब्जी, जो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और लगभग सभी के घरों में जरूर बनती है। ठंड के मौसम में जब ताजी ताजी गोभी आती है तो बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट सब्जी बनता है। वैसे तो सब गोभी सालों भर मिलती है, पर ये वाली गोभी नहीं मिलती है। तो आप ठंड के मौसम में इस तरह गोभी की सब्जी बनाकर ट्राई जरूर कीजिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए हम गोभी ले लेंगे। गोभी अच्छा देखिएगा, सख्त वाला, सटा सटा हुआ वाला लेना चाहिए, फैला हुआ वाला नहीं। और उसे इस तरह बड़े बड़े पीसेस में काटना है, क्योंकि हमें बनाना है सब्जी। तो थोड़े बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेंगे। और इधर पानी को बॉयल होने के लिए रख दिए हैं। पानी जब अच्छे से बॉयल हो जाएगा तब गोभी में डालेंगे हम। और देखिए आलू का साइज भी पूरा इक्वल लिए हैं और इसे छीलकर बराबर साइज में बराबर टुकड़ों में काट लिए हैं। गोभी में डाल देंगे हम नमक। नमक और गर्म पानी डाल देने से डाल के ढक कर 5 मिनट छोड़ देंगे। इस तरह गोभी में जो भी होगा गंदगी बाहर निकल जाता है। तो उसे 5 मिनट हो गया है, तब तक इधर हम गैस पे कढ़ाई रख दिए हैं। तेल डाल देंगे उसमें, सरसों का तेल है। उसमें डाल देंगे हम 5 फोरन। तो उसमें हम ले लिए हैं सौंफ, मेथी, जीरा, सरसों और ये लाल मिर्च और तेज पत्ता। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है अगर आप इसमें 5 फोरन डालिएगा तो। अब यहाँ पर जब 5 फोरन अच्छे से पक जाएगा तो 1 पिंच हम डाल देंगे हल्दी का पाउडर। हल्दी का पाउडर डाल देने से जब गोभी डालेंगे तो ये तेल ज़्यादा चटकता नहीं है, इसीलिए 1 पिंच हल्दी पाउडर डाल कर डालें। देखिए यहाँ पर गोभी को ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, बस हल्का कलर आ जाएगा तब हम इसे निकाल लेंगे। बहुत ही अच्छा कलर आ गया है इसमें, थोड़ा सा फ्राई किए हैं। अब इसी पैन में फिर से हम वापस थोड़ा सा और तेल डाल देंगे और उसके बाद डालेंगे यहाँ पर आलू। आप चाहें तो आलू को बॉयल करके भी डाल सकते हैं, पर बॉयल किया हुआ आलू ठंड के दिन में और ज़्यादा सख्त हो जाता है, इसीलिए हम यहाँ पर इसी तरह बनाएंगे, बहुत ही जल्दी पक जाता है। और यहाँ पर डाल देंगे हम हींग। हींग से भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। आलू गोभी और मटर की सब्जी हो तो हींग जरूर डाला करें। अब इसमें डाल देंगे हम स्वाद अनुसार नमक। नमक डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और आलू जब हल्का फ्राई हो जाएगा तब इसमें हम डाल देंगे एक बड़े साइज का बारीक काटा हुआ प्याज। तो देखिए यहाँ पर प्याज को हम अच्छी तरह काट लिए हैं। आप चाहें तो चॉप भी करके डाल सकते हैं। तो बस इस आलू के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे हम। प्याज और आलू बहुत ही जल्दी नमक डाला हुआ है तो अच्छे से कुक हो जाता है। यहाँ पर डाल देंगे हम मटर। मटर हम छीलकर फ्रिज में रख दिए थे तो वही जम गया है। और इसे ढककर हम पकाएंगे। तब तक इधर मसाला का तैयारी कर लेंगे। इसमें काजू है, फ्राई किया हुआ काजू है। और यहाँ पर टमाटर और हरा मिर्च सब डालकर इसे अच्छी तरह पेस्ट बना लेंगे हम। तब तक इधर ढक देने से आलू भी पक जाएगा। तो देखिए चेक कर लेते हैं बीच बीच में चलाते हुए हम। आलू अच्छे से कुक हो गया है। तब हम यहाँ पर डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, क्योंकि हम मसालों में सिर्फ काजू, टमाटर और हरी मिर्च डाले थे। फिर यहाँ पर डाल देंगे हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर, जीरा गोलकी पाउडर और धनिया पाउडर। और इन सबको अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे और ढक ढक कर फ्राई करेंगे। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह पक चुका है।
इसकी अच्छी खुशबू आने लगी है तब यहाँ पर डाल देंगे हम यहाँ पर काजू और टमाटर और मिर्ची का पेस्ट, और इसे भी डालकर अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर डाल देंगे हम बिल्कुल एक चम्मच, बड़े चम्मच के, बड़े चम्मच से डाले हैं दही, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे। इसको भी डालकर हम बहुत अच्छी तरह लगातार मिक्स कर लेंगे, दही हमारे फटे ना। उसके बाद इसे हम ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। तो देखिए यहाँ पर डाल देंगे हम कश्मीरी मिर्च, और ये तेल भी देखिए दिख रहा है, मसालों से तेल अलग हो जा रहा है। बहुत अच्छी तरह से भून चुका है मसाला हमारा, फ्राई हो चुका है। देखिए साइड से तेल छोड़ दिया है मसालों ने, तो बहुत अच्छी तरह से कुक करना है दही और मसालों के साथ। उसके बाद हम डालेंगे फ्राई किया हुआ गोभी, गोभी को भी इसमें डालकर लगभग 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे, ताकि सारे मसालों का फ्लेवर गोभी में भी आ जाएगा। तो इस तरह हम डालकर 2 मिनट तक बस इसे फ्राई करेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, तो आप इस तरह से बनाइएगा ज़रूर। और यहाँ पर डाल देंगे हम ग्रेवी के लिए थोड़ा सा पानी, पानी उतना ही डालेंगे कि आलू और गोभी जो है अच्छे तरह से मसालों का फ्लेवर उसमें आ जाए। और यहाँ पर ढक कर हम इसे लगभग 5 मिनट तक और कुक करेंगे। हम यहाँ पर ज़्यादा ग्रेवी नहीं डाल रहे हैं, आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर गरम मसाला डालने के बाद हम इसे ढककर 5 मिनट तक पकाए हैं। ये देखिए अभी गैस का फ्लेम बंद किए हैं, बहुत ही टेस्टी बनी है ये सब्जी, देखने से ही पता लग रहा है। देखिए इसमें ग्रेवी ना ज़्यादा है और न कम है, मुझे इसी तरह की सब्जी चाहिए थी। आपको ज़्यादा ग्रेवी वाला चाहिए तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो अब हम इसे निकाल लेंगे एक बाउल में, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है ये, ठंड वाली गोभी बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो इस तरह हम सारा निकाल लेंगे। और थोड़ा सा यहाँ पर हम गार्निश कर देंगे इसे, ताकि देखने में भी अच्छा लगे और खाने में भी स्वाद आए। तो इसे हम थोड़ा सा अदरक बारीक लंबे स्लाइस में काट लिए हम, तो यहाँ पर अदरक डाल देंगे और थोड़ी सी डाल देंगे यहाँ हरी वाली मिर्च, इसे भी बारीक लंबे स्लाइस में काट लिए हैं। तो देखिए कितना सुंदर बनकर तैयार हो गया है सब्जी, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि आप किस तरह से बनाते हैं, और एक बार इस तरह ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है ये सब्जी। और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।